बोर्ड परीक्षा का तनाव कम करने और पढ़ाई को ज़्यादा रोचक बनाने के लिए CBSE ने पहली बार ऑडियो पॉडकास्ट जारी किया है। ये पॉडकास्ट छात्रों को जीवन जीने का सलीका सिखाएगा। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि ये बच्चों को रास्ता भी बताएगा कि कैसे आगे करना है। माता पिता बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करें, इसके लिए भी अलग से पॉडकास्ट तैयार किया गया है। छात्र छात्राएं और अभिभावक ये पॉडकास्ट CBSE के वेबसाइट पर पेरेंट्स कॉर्नर का विकल्प चुनने के बाद सुन सकते हैं। बता दें कि CBSE ने इस पॉडकास्ट के माध्यम से छात्रों को जीवन जीने का सलीका भी सिखाने की कोशिश की है। किस तरीके से छात्र अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर सकते हैं, इसके उपाय भी बताए गए हैं। इसके अलावा परीक्षा के पहले उसकी तैयारी की चिंता और परीक्षा हो जाने के बाद परीक्षा फल की चिंता से छात्र खुद को कैसे उभार सकते हैं, इस बारे में भी बताया गया है। परीक्षा और उसके परीक्षा फल को लेकर अपने बच्चों के साथ माता पिता का व्यवहार क्या होना चाहिए, किस तरीके से उन्हें बच्चों के साथ रहना चाहिए, इसे भी बताया गया है। बता दें कि पटना में जब एक ताज़ा मामला आया, जब एक युवती ने चौथी मंजिल से छलांग लगा दी। 30 सितंबर की शाम पटना में प्लस टू की परीक्षा दे चुकी एक छात्रा ने सोसाइटी के अपने फ्लैट के चौथी मंजिल से छलांग लगा दी थी। घटना के बाद आसपास के लोगों का कहना है कि छात्रा ने इस साल प्लस टू की परीक्षा दी थी, लेकिन उसे बेहद ही कम नंबर मिले। एक विषय में वो फेल भी हो गई थी, इस कारण वो काफ़ी अवसाद थी। इसी का नतीजा रहा कि छात्रा ने देर शाम बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के नागेश्वर कॉलोनी स्थित अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से छलांग लगा दी, ये कहते हुए कि मैं पागल हूँ, मुझे मरना है। कुछ महीने बाद ही CBSE की 2024 की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू होनी है। ऐसे में बच्चे ऐसा कदम ना उठाएं, इस बात का ध्यान रखते हुए ये पॉडकास्ट की शुरुआत की जा रही है। CBSE ने कुछ पॉडकास्ट करियर गाइड के लिए भी तैयार किया है। इन्हें सुनकर 10वीं और 12वीं की पढ़ाई के बाद छात्र क्या करें, उसमें क्या कैसे मदद मिलेगी, इन सभी की भी जानकारी दी गई है। वहीं आज का दौर नई तकनीक और नवाचार का है। इस दौर में बच्चे सुनी सुनाई और देखी दिखाई चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, उन्हें आसानी से सीख पाते हैं। इसीलिए एक वीडियो ऑडियो फॉर्म दोनों तरीके से तैयार किया गया एक नए दौर का गाना भी है, रैप सॉन्ग, जो बच्चों को आकर्षित करेगा। CBSE ने अपनी वेबसाइट पर 10वीं और 12वीं की परीक्षा के पहले ही छात्रों के लिए एग्ज़ाम रैप सॉन्ग टेक इट ईजी तैयार किया है, जो 2 मिनट 49 सेकंड का रैप सॉन्ग है, जिसे बच्चों को नई ऊर्जा मिलेगी। बता दें कि इस पॉडकास्ट में टैकलिंग डिप्रेशन, टिप्स फॉर पेरेंट्स, CBSE एग्जाम रैप, नो अबाउट CBSE करियर गाइडेंस पोर्टल, टिप्स फॉर स्टूडेंट, व्हाट टू डू ऑन एग्जाम डे, क्विक टिप्स फॉर एग्जाम प्रिपरेशन, स्ट्रेस बिल्डर्स एवं स्ट्रेस बूस्टर, नो अबाउट फ्रेंड्स फॉर लाइफ, इन सभी विषयों के बारे में जानकारी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ PR लाइव, पटना।